बाकी बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा लाइफ स्टॉक में पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी की कारकर्दगी बारे इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास की सदारत सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक और ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मसूद अनवर ने की। CEO पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी ने मिनिस्टर लाइफ स्टॉक को इदारे की कारकर्दगी बारे जामिया ब्रीफिंग दी। वजीर लाइफ स्टॉक ने शाहपुर कांजरा में वाकया पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी पामको के स्लाटर हाउस का भी दौरा किया, जहाँ इन्हें मार्टन स्लाइटिंग प्रोसेस और स्लाइटिंग कैपेसिटी के बारे में बताया गया। ब्रीफिंग के दौरान CEO पैमको का कहना था कि स्लाटर हाउस में एक मिनट में एक जानवर जिबा होकर निकलता है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीट प्रोसेसिंग प्लांट है, जिसका मकसद गोश्त को हिफाजत सेहत के असूलों के मुताबिक अवाम तक पहुंचाने के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी इजाफा करना है। इस मौके पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का कहना था कि पैमको जैसे इदारे के लिए बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया जाए और इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक जामिया प्लान तैयार किया जाए। इजलास में डायरेक्टर जनरल तौसीफ, डायरेक्टर कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन समेत दीगर अफसरान की शिरकत हुई।